माइक ऊपर होता है ना, ऊपर रखूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। बंद नहीं हुआ ना, चल रहा है। हेलो, ये सब गिरा, किसका फोन गिरा? आ गया तू, सब बिगाड़ दे। अच्छा हाँ, मुझे नाम कैसे सूझा मैं बताता हूँ आपको। मैं एक बार ऑफिस में बैठा हुआ था और समीर शर्मा आए स्क्रिप्ट लेके, और उन्होंने कहा मैंने एक फिल्म लिखी, उसका नाम है लव शॉट एंड चिकन पुराना। मैं कहा क्या टाइटल है? इंस्पायर्ड कहीं से नहीं है, इंस्पायर्ड तो ओरिजिनल फिल्म है। वो किसी ने लिखा है कि मलयालम फूड फिल्म बन चुकी है कैफे उस्ताद करके, तो एक फूड फिल्म वहां बनी है, फूड फिल्म यहाँ बन रही है, ऐसे थोड़ी ना इंस्पायर हो जाती है। क्या सबके फेवरेट 1 2 3 चिकन खुराना है? मेरा फेवरेट गोश्त है, धोखेबाज। मुझे मीठा पसंद है, मुझे तो फिलहाल चिकन खुराना पसंद है। भिंडी गोश्त, छलना गोश्त, यखनी, ये सब भूख भूख खाने का मौका नहीं मिला। आप क्यों चाहती हैं मैं एक ही जैसी फिल्म बनाता रहूं? तो फिर जब अलग अलग तरह फिल्में बन रही तो आपको कुछ होना चाहिए। मैं सिर्फ चुनता हूं, मैं लिखता नहीं हूं। ये फिल्म समीर शर्मा और सुमित ने लिखी, मेरे पास आया और मैंने देखा, मैंने कहा यार ऐसी फिल्म कभी बनी नहीं है यहाँ पे, तो बनाते और इस तरह से फिल्म बनी। और हर वो आदमी जो बोलता था कि मैं वासेपुर कैसे देखूँ परिवार के साथ या बीवी बच्चों के साथ, ये फिल्म आप पूरे मोहल्ले के साथ देख सकते हैं, सारे हिंदुस्तान को लेके आइए, पूरे शहर को लेके आइए, टूरिस्ट उसके देखिए। बट बबली जबली रोल नहीं है, वही तो हमारी कोशिश थी कि हम जो भी स्टीरियोटाइप्स हैं पंजाब को लेके या रोमांस को लेके या कॉमेडी को लेके वो नहीं करेंगे, हम कुछ अपना पंजाब ढूंढेंगे, कुछ अलग करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने भी कोशिश की, जो मेरा कैरेक्टर है वो एक स्टीरियोटिपिकल जो पंजाबी जो हम एसोसिएट करते हैं लाउड ग्रेगेरियस ऐसा नहीं है, बहुत रियल है। और आई थिंक बहुत सारी पंजाब की लड़कियाँ जो हार्टलैंड से हैं वो आइडेंटिफाई कर पाएंगी, वो एसोसिएट कर पाएंगी। एंड आई डोंट नो, आई होप ऑडियंस को भी पसंद आए, मैंने तो पूरी कोशिश की है। जी खिलाया नहीं, एक्चुअली खिला खिला के नहीं, भूखा रख रख के पतला किया, उल्टा था। हम लोग फिल्म में अपने लोगों को काफी भूखा रखते हैं, वो बहुत काम आते हैं पिक्चर बनाने के। जी मेरा कैरेक्टर जो है उसका नाम है उमी खुराना, और जैसा कि होता है पंजाब में बहुत सारे लड़के यंग लड़के हैं जो सोचते हैं कि कनाडा जाएंगे, यूके जाएंगे, वहाँ पर अपनी लाइफ सेटअप करेंगे। तो ये भी ऐसा ही है, वो चाहता है कि मैं बाहर जाऊँ, तो 10 साल बाद वापस लौट रहा है अपने जो ललतों के अंदर, जो एक छोटा सा टाउन है वहाँ पर वापस आ रहा है। और ये कैरेक्टर जो है सेल्फिश है, स्टबन है, जो करना चाहता है वो करेगा, वो सोचेगा नहीं कि दूसरों को के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। और उसके अंदर यहाँ पर आकर जो बदलाव होता है, क्या होता है चिकन रेसिपी के साथ, क्या किस तरह से ढूंढी जाती है ये रेसिपी, उसके इर्द गिर्द कहानी है। जी वो तो आपको पिक्चर में देखना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया, पंजाब की लड़की है, हिंदुस्तानी लड़की है, और डॉक्टर का रोल प्ले कर रही हूँ मैं इसमें। और जो रिलेशनशिप है मेरे और कुणाल के कैरेक्टर के बीच में, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इनका रोमांस है वो 10 साल पहले शुरू हुआ था जब वे बच्चे थे, और तब लड़के को लगता था कि हमारी दोस्ती और इसको लगता था कि प्यार है, और फिर वो चला गया किसी रीजन की वजह से और वो वापस आया है। एंड ही ऑब्वियसली वॉन्ट्स टू स्टार्ट जहाँ से चीज़ें छुटी थी, और इसके मन में बहुत सारा हर्ट रहते हैं, साल का गुस्सा है कि बिना बताए कैसे चला गया। तो उस तरह का रोमांस है, बहुत ज़्यादा नोकझोंक है, और हम हमेशा झगड़ा करते रहते हैं, किसी को डांटते रहते हैं, और फिर भी मगर जब ये रेसिपी की बात आती है और रीडिस्कवर करने की बात आती है, तो यू नो हाउ हम दोनों मिलके उस रेसिपी को साथ में ढूंढने की कोशिश करते हैं। लास्ट क्वेश्चन, मेरा योगदान नहीं, मेरी फिल्म में बस मेरा ये योगदान रहता है कि मैंने कहा स्क्रिप्ट बड़ी अच्छी है, और मैं पूछता हूँ बनाओगे कैसे, उसने कहा बड़े सिंपल तरीके से, मैं पूछता हूँ जाके बनाओ, मेरा उससे ज्यादा कोई योगदान नहीं रहता। फिर पिक्चर खत्म हो जाती है और मुझे जब दिखाई जाती है तो मैं अपने रिएक्शंस देता हूँ, और जो करना होता है फिल्म के लिए करता हूँ, जो करना होता है डायरेक्टर के लिए करता हूँ।
अपने 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 सीमित दायरे में।